नमस्कार, वेलकम टू ओल्डर मेमोरी यूट्यूब चैनल। इस धरती का सबसे वंडरफुल चीज़ है हमारी मेमोरी पावर। अगर हम चाहें तो हमारी ब्रेन में इतना कुछ स्टोर करके हम रख सकते हैं, जिसका तुलना अगर हम करना चाहेंगे तो 300 साल तक अगर कोई HD मूवी चलेगा तो उसका बराबर होगा। आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज मेमोरी स्पेस है हमारे पास। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर एक इंसान का हम 80 साल मान लेते हैं तो इसे समझ सकते हैं कि हमारी मेमोरी में जो डाटा रिसीवर एंड रिकॉर्डर जो है वो कभी भी फुल नहीं हो सकता। फिर सवाल ये है तो फिर हम लोग भूलते कैसे हैं, क्यों भूलते हैं? क्या ये कोई फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल मैटर है? जी नहीं, ये बिल्कुल डिपेंड करता है चार चीज़ों का ऊपर। अगर आपने इस चार चीज़ों को जान लिया और इसको अपनी ज़िंदगी में आपने प्रयोग किया तो आपका मेमोरी पावर बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी पावर जैसे ही बन सकता है। यस, डेफिनेटली बन सकता है। मैं अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकली ये सब चीज़ किया और इसका रिजल्ट भी मुझे मिला। आज मैं पाई का 10,000 डिजिट्स मैं बिना देख के कंटिन्यू विदाउट एनी मिस्टेक कंटिन्यू मैं बता सकता हूँ। मैंने मेमोराइज़ किया। मैं किसी भी 2 डिजिट का क्यूब कैलकुलेटर से भी पहले मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ विदाउट नो टाइम। आप जैसे ही बोलेंगे नंबर उसी समय मैं आपको बता दूंगा उस नंबर का क्यूब कितना है। ये सब मेमोरी पावर का कमाल है और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप भी ऐसे कर सकते हो। यस, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाया केवल मतलब 20 मिनट्स के अंदर सारी एलिमेंट 118 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और बिल्कुल सीरीज में एटॉमिक नंबर याद कराया केवल मात्र 20 मिनट्स में। अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरा वेबसाइट है www.ondermemory.in। आप उस पर जाके मेरे डिटेल्स में आप मुझे मेल भी कर सकते हो। आप अगर इसको सीखना चाहेंगे तो कम्प्लीटली फ्री, मैं आज तक किसी से पैसा लेकर नहीं सिखाया, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको भी ये सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ। सो आज का जो विषय है कि ये चार चीज़ें क्या है जो मैजिकल थिंग्स है और उसको कैसे हम सीखें, इस विषय में चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब एक चीज़ आप में से बहुत लोगों को पता होगा, हमारे ब्रेन जो कुछ भी याद रखता है वो उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको अगर कोई वीडियो देखना है तो वह अगर MS Word का डॉक फॉर्मेट में होगा या एक्सेल का XLX फॉर्मेट में होगा तो वीडियो नहीं खुलेगा। ऐसे ही एक फॉर्मेट है, हमारी दिमाग केवल मात्र इमेज फॉर्मेट को ही एक्सेस कर पाता है। किसी चीज़ का अगर इमेज बन गया हमारी ब्रेन में, इमेज रिकॉर्ड हुआ, वही चीज़ हमारे ब्रेन जो है रिट्रीव कर सकता है। आप कुछ भी देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, चाहे वो वर्ड हो, चाहे डिजिट हो, चाहे सेंटेंस हो, अल्फाबेट हो, स्टोरी हो, कोई हार्ड से हार्ड फार्मूला हो या कंसेप्ट हो, जो कुछ भी हो, अब जब इसका इमेज बना पाओगे तभी हमारी ब्रेन उसको रिकॉर्ड करेगा। अगर हम ऐसे कोई चीज़ पढ़ लेते हैं जिसका कोई इमेज बनी नहीं रहा है, जैसे कि कोई फिजिक्स का फार्मूला है जिसका कोई इमेज नहीं बन पा रहा है, आप अल्फा बीटा लैम्डा उसका कोई मीनिंग समझ नहीं पा रहा है, क्या मीनिंग है इसका, तो आप उस फॉर्मूला को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते हो। हो सकता है आप जो रोट मेमोरी यानी कि बार बार पढ़ते 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 आपको एक बार याद हो गया, बट वो ज़्यादा देर तक आपका दिमाग में नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे क्योंकि उसका कोई इमेज नहीं बना। और अगर किसी तरह से आप उसको अपने दिमाग में उसका इमेज बना पाया तो आपको ये कभी भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे कि मान लो आपको पूछा गया आपका
व्हीकल का नंबर क्या है, आपका गाड़ी का नंबर जैसे आप याद करना चाहोगे तो आपका सामने दो चीज़ें आएगी, या तो आपका गाड़ी का जो नेम प्लेट है वो आपका आंखों के सामने आ जाएगा, या फिर आपका गाड़ी का नंबर जहाँ कहीं लिखा होगा, हो सकता है वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या फिर और कोई डॉक्यूमेंट हो, वो डॉक्यूमेंट आपका दिमाग में पहले आ जाएगा। अगर कोई आप स्टोरी किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी जगह के बारे में कुछ बोल रहे हो, किसी घटना के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में आप बोल रहे हो, तो आप थोड़ा सा सोचना, तो आप ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि जो चीज़ आप बोल रहे हो उसका एक इमेज आपका दिमाग में आ जाता है, आपका दिमाग में वो मूवी चलता है और उसको आप डिस्क्राइब करते रहते हो। हमारे हाथ, हमारी पेन या हमारा मुंह में कोई ऐसे मैजिक नहीं है, कोई ऐसे मशीन नहीं है जो अपने आप से निकालते रहते हैं। हमारे मुंह में कोई MP3 प्लेयर नहीं है जो कि अपने आप प्ले हो रहा है, ये जो कुछ भी आ रहे हैं आपका ब्रेन से आ रहे हैं। हमारी ब्रेन से हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका एक मूवी हमारे ब्रेन में बनता है और उसी को हम अपना मुंह से बाहर निकालते हैं। जब लिखते हैं तो ब्रेन से ही आता है, हमारे हाथ में कोई मैजिक नहीं है, हम ना तो हमारे पेन में कोई मैजिक है। मैजिक अगर है तो हमारे ब्रेन में है, हमारी जो सोचने का शक्ति है, हम हमारी सोच से उसका एक मूवी बनाते हैं और उसी का रिफ्लेक्शन होता है हमारे मुंह में या हमारी पेन में। सो एक चीज़ स्पष्ट हुआ कि हम जब किसी भी चीज़ को याद रखना चाहेंगे तो उसका एक इमेज तैयार करना है। वो इमेज क्या कैसे हो सकता है, स्टील इमेज भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। हमारी ब्रेन जो मूविंग इमेज है, जो कलरफुल इमेज है, जो इंटरेस्टिंग इमेज है, जो बाकी चीज़ों से थोड़ा सा अलग है, हटकर है, उसको ज़्यादा याद रख सकता है। ये जो प्रोसेस है किसी चीज़ को इमेज बना के आपका मेमोरी में रखना, रिकॉर्ड करना और बाद में उसको इजीली रिट्रीव करना, इस प्रोसेस को मेमोरी साइंस में कहा जाता है इमेजिनेशन। दिस इज रूल नंबर 1 ऑफ स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर। सो स्टूडेंट्स, आप जब आपका क्लास का किसी टेक्स्ट, किसी कंसेप्ट या फार्मूला, उसको अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो तो अभी आप उसको इजीली याद रख पाओगे। अदरवाइज आपको रोट मेमोरी यानी कि बार बार रट के आपको जो है याद करना पड़ेगा और वो चीज़ आप फिर भूल जाते हो आपका एग्ज़ाम हॉल में जाके, क्योंकि उसका कोई इमेज आपका दिमाग में बना ही नहीं है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, हम दिन भर हजारों चीज़ें देखते हैं, हजारों चीज़ें सुनते हैं, पर आपने नोटिस किया होगा एक दो दिन बाद आप सोचो कल या परसों आप क्या क्या देखा था, कहाँ कहाँ गया था, क्या किया था, बहुत कम ही चीज़ें आप याद रख पाए होंगे, बाकी सब भूल गए। और दो चार दिन बाद फिर आप सोचना, मैक्सिमम चीज़ें आप भूल जाओगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारी ब्रेन में वो सारे चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ? बिकॉज हमारे ब्रेन उन चीज़ों को अनइम्पॉर्टेंट सोचा है। हमारे ब्रेन केवल मात्र जो वो इम्पॉर्टेंट सोचता है उसी चीज़ को याद रखता है। सो हम जिस चीज़ को याद रखना चाहेंगे उसे इंटरेस्टिंग बनाना है, उस चीज़ के ऊपर हमारे इंटरेस्ट को ग्रो करना है, तो अभी हम उस चीज़ को याद रख पाएंगे। इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? अगर हम मान लीजिए कोई फिजिक्स का फॉर्मूला है, उसको आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे? इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। कैसे बनाएंगे? देखिए, जो अननोन इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना है, आपका जो नोन इन्फॉर्मेशन है यानी कि उसके साथ मिलता जुलता या फिर उसका रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको तो पता ही होगा, है कि नहीं? अब जो चीज़ पता होगा उसके साथ आप उसको अटैच कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, उसको एसोसिएट कर दीजिए। मेमोरी साइंस में इसे कहते हैं एसोसिएशन। अब ऐसे एसोसिएट करें, थोड़ा सा अद्भुत, थोड़ा सा बिजारी, एक स्ट्रेंज टाइप का हो, अद्भुत हो, तो आपको हमेशा याद रहेगा। आप खुद कीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप इसको सोच सकते हैं तो आप इसको कर भी सकते हैं। आप करके देखिए, एक बार करके देखिए, आप ज़रूर इसको कर सकते हैं, आप कर पाएंगे और इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। रूल नंबर 3, हम बचपन में देखा, जब हम लोग दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए जाते थे
और सिनेमा हॉल से निकालने के बाद जब डिस्कशन होती थी फिल्म के बारे में, तो कोई भी ऐसे नहीं था जिनको उस पिक्चर का कोई सीन याद नहीं रहता। दो तीन दिन तक जो है वो फिल्म जो है हमारे दिमाग में घूमता रहता था। ऐसे नहीं है कि कोई अच्छा स्टूडेंट था तो वो सारे सीन याद कर पाया, और जो ख़राब स्टूडेंट था, जो बैकबेंचर्स था, उनको सारी जो सीन है, सीनरीज है, वो याद नहीं था। ऐसा नहीं है, बल्कि उनको ज़्यादा याद रहता था। क्यों ऐसे, क्यों ऐसे? इसलिए है कि उस चीज़ को जब हम फिल्म देखते हैं तो हमारे 100% फोकस होता है फिल्म का ऊपर, और हमारे इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि वो जो चीज़ें जो देखते हैं हम, वो हमारे ज़िंदगी का साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, किसी न किसी वजह से उसका एक रिलेशन होता है, या फिर हमारा पैशन होता है, या फिर हमारा ड्रीम होता है। ऐसे ही जब हम कुछ पढ़ेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे, उसको अगर हम, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम अपने लाइफ में लेके आएंगे, हमारे लाइफ के साथ उसको रिलेट करेंगे, और वो सीखने का कोई वजह हमारे पास होगा, हम उसको जो है इंटरेस्टिंगली इसको सीखेंगे, तो हम उसको भी आसानी से सीख पाएंगे। तो इसमें से एक निकाल कर आया एक चीज़ कि हमारी कंसेंट्रेशन, अगर हमारी कंसेंट्रेशन 100% होगा किसी भी चीज़ के ऊपर, उस चीज़ को याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। सो अगर हम अपने ज़िंदगी में सक्सेस होना है, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाना है, तो सिंपल सी बात है, हमारा कंसेंट्रेशन को ग्रो करना है, हमारी सारे फोकस जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके ऊपर देना है। एक बार उस चीज़ को हमने, इस कंसेप्ट को हमने विजुअलाइज कर लिया, मेमोराइज कर लिया, उसके बाद आप खेलो, दोस्त के साथ बात करो, चैटिंग करो, कुछ भी करो, कोई मना ही नहीं है। पर जब हम पढ़ेंगे 100% उस चीज़ के ऊपर कंसेंट्रेट करेंगे, तो फिर भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये था रूल नंबर 3, कंसेंट्रेशन। अब देखेंगे रूल नंबर 4। बंगाली में एक गाना है, अमी निजे के निजेर मतो गुछिए नहीं अच्छी, यानी कि हम अपने आप को अपने जैसे बना लिया, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से हमने बना लिया। बात तो सही है, जब हम अपने ज़िंदगी का हर चीज़ को अपने हिसाब से बनाते हैं, तभी हमें सुख और शांति मिल पाता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ें जब हम सीखते हैं, तो उसको अगर, उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम अपने हिसाब से बना लें, कस्टमाइज कर लें, यानी कि पर्सनलाइज कर लें, तो उस इन्फॉर्मेशन को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। मेमोरी टेक्निक में इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन। देखिए, जब आगे का वीडियो में जब आपको मैं मेमोरी टेक्निक का कुछ कोड हम सिखाएंगे, तो उसमें देखेंगे कुछ ऐसे कोड है, उसमें आप देखेंगे जो बिल्कुल पर्सनलाइज कोड है। वो कोड मेमोरी साइंस के हिसाब से बना हुआ है, साइंटिफिक है, पर उसमें यूनिकनेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कॉपर के एटॉमिक नंबर कितना है? 29 है। तो मैंने इस कैसे याद रखा, देखिए 29 ये जो नंबर है, देखिए किसी नंबर का कोई इमेज होता है? नहीं होता है ना। तो इस नंबर को एक कोडिफाई करना होता है, एक साइंटिफिक कोड है वो, जब आप सीखेंगे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे मैंने कोडिफाई किया 29, 2 फॉर एन एंड 9 फॉर पी, तो एन एंड पी को, दोनों जो अल्फ़ाबेट को लेके एक जो है वर्ड बनाना है, एन एंड पी, तो मैंने वर्ड वो बनाया नैपी। तो ये नैपी को कपर के साथ कैसे रिलेट किया, देखिए नैपी जो कि छोटे बच्चों का कपड़ा होता है, तो नैपी किससे बनता है? कपड़ा से बनता है, और कपड़ा कपर, तो देखिए कॉपर 29 कैसे आसानी से याद हो गया ना। पर ये जो कोड है, ये बिल्कुल ही मैं अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर लिया। हो सकता है कि इसका जो कोड है, आप जो है ये इसको नैपी ना बना के आप अपने हिसाब से बनाएंगे इसको, आप कुछ भी बनाएं, आपको मतलब है, याद रखने से मतलब है, कोड से मतलब नहीं है। क्या कोड बनाया, उस कोड को
आपको रिलेट करने से मतलब है, आपको इन्फॉर्मेशन का साथ उस कोड को रिलेट करने से मतलब है। तो ये हो गया पर्सनलाइजेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन को जब आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर लेते हैं तो आप अपने खुद का एक स्टाइल होता है, आप उस स्टाइल से, अपना स्टाइल से जब उस इन्फॉर्मेशन को कोडिंग करते हैं तो आप बहुत इजीली इसको याद कर पाते हैं और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। ऐसी कोई हार्ड से हार्ड फार्मूला, फिजिक्स का फार्मूला हो या फिर रिएक्शन हो केमिस्ट्री का या फिर किसी चीज़ का कोई थ्योरी हो, उसको अगर आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज करके आप याद करेंगे तो वो बहुत आसानी से याद होगा और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। तो दोस्त, ये था चार रूल्स जो कि फॉलो करने से हम कुछ भी कोई भी कितना भी हार्ड इन्फॉर्मेशन हो उसको अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, प्रोवाइडेड दैट यू हैव ग्रोन योर इंटरेस्ट ऑन द टॉपिक। अगर आपका इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक पे, आप अगर कंसेंट्रेट किया और बाकी जो टेक्निक मैंने बताया तीनों टेक्निक, तो फिर आप किसी चीज़ को भूल ही नहीं सकते हो। भूलना मुश्किल होगा कोई चीज़ को, देखेंगे तब आपको किसी चीज़ को भूलना मुश्किल होगा, आप भूल नहीं पाओगे किसी चीज़ को। इन सब से एक चीज़ जो ये सारी चीज़ों का जो समरी है, अगर आपके पास वजह है किसी चीज़ को अचीव करने का, आपको वो वजह जो है समझ में आ गया कि इस वजह से मेरे को सीखना है, इस वजह से मेरे को अचीव करना है, इस वजह से मेरे को पढ़ना है, जिस दिन आपका दिमाग में घुस जाएगा और आप अपना गोल को सेट कर लिया, तो फिर दुनिया का ऐसे कोई ताकत नहीं है आपको रोक पाए। आपको रोकना नामुमकिन है, आप अपनी जो गोल है उस पर जरूर पहुंचेंगे। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे फिर रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और सबको सक्सेस मिले, सबको अच्छी ज़िंदगी मिले। जय हिंद, जय भारत।